हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और दोस्तों अभी हम लोग आए हैं दिल्ली की बहुत ही फेमस और ख़ूबसूरत जगह पे, जिसका नाम है सफदरजंग टॉम दोस्तों। और यहाँ हम लोग ये पड़ता है जोरबाग में दोस्तों। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन भी आपको जोरबाग पड़ेगा, जो कि इस साइड है, और वहाँ से सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस है दोस्तों, सिर्फ 400 मीटर के अंदर ही आ जाएगा आपको। तो आप आ सकते हो, मेरे पीछे देख सकते हो, ये है इसका एंट्रेंस। और वहाँ आप देख सकते हो कि वहाँ वो है टिकट काउंटर। और टिकट काउंटर में आपको एक बात बता दूँ दोस्तों की, जो हमने टिकट ली है वो है 25 रुपीज़ की, और पर पर्सन 25 रुपीज़ है इंडियंस के लिए। फॉरनर का हमने पता नहीं किया दोस्तों। तो इंडियन हम दोनों ने, मैंने दो टिकट लिए, मेरे साथ आया रोहित, तो उसका पड़ा है 50 रुपीज़ हमको कॉस्ट पड़ा है दोस्तों। और ये है इसका एंट्रेंस, अभी हम आपको मिलेंगे अंदर और आगे की इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको अंदर चल के। अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर, एंटर कर रहे हैं, और ये आप देख सकते हैं कि एक बहुत लंबा और बहुत ही बड़ा है ये एंट्रेंस इसका। मैंने तो पहली बार देखा इतना बड़ा एंट्रेंस। हाँ, रोहित पहले भी आया तो उसने देख रखा होगा, बट मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। अब ऊपर देखो इसकी हाइट सही है ना, देखो इसे बोलते हैं दोस्तों मेन कारीगरी। और अब हम चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं अंदर कि क्या है। और आपको यहाँ पर साइड में मिलेगा पब्लिकेशन स्टोर, बट क्या पब्लिश होता है मुझे नहीं पता, पता करेंगे तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। और आप जैसे कि आप अंदर आएंगे ना दोस्तों, तो अंदर आते ही आपको एक बहुत ही अच्छा चीज़ ये मिलेगा कि आपको मिलेगा वाटर चैनल, जो कि फाउंटेन भी बोलते हैं हम लोग, और बचपन में तो हम इसको पानी का फवारा भी बोलते थे हम तो पानी का फवारा। और यह वाटर चैनल दोस्तों, और इसी के एकदम आप वहाँ देखो, वो इसको बोलते हैं चारबाग गार्डन। तो यहाँ पर अगर किसी को अपना वेल क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, तो भाई पिकनिक मनाना है, तो बहुत ही बेहतरीन जगह है मैं तो बोलूँगा, और रिकमेंड करूँगा यार, एक बार ज़रूर आओ, टाइम स्पेंड करो। और अब आपको हम दिखाते हैं भाई जो ये है टॉम, सफदरजंग टॉम जिस नाम पड़ा है जिसका, और जो कि बहुत ही फेमस है यहाँ पर सफदरजंग में। तो आप ये देख सकते हो सामने ये टॉम, अब हम उसको अंदर जाके आपको दिखाते हैं कि अंदर से कैसी दिखती है ये खूबसूरत मकबरा। नेचर से प्यार है भाई, यहाँ पर आओ, इतनी देखो। और वैसे मैं एक चीज़ आपको ये भी बता दूँ दोस्तों, थोड़ा सा धूप है बट गर्मी नहीं लगेगी आपको, क्योंकि जो हवा चल रही है और जो वेदर है और जो नेचर है ना, नेचुरल हवा आपको मिलेगी यहाँ पे एकदम, बहुत ही प्यारी है। चलो अब हम चलते हैं अंदर की ओर। तो अब हम जा रहे हैं अंदर, और आप जैसा कि देख सकते हैं मेरे साथ, ये जो वे है सब कुछ पुराना। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताता हूँ दोस्तों, ये जो है ना टॉम, ये बनाया गया था 1753 से 54 के बीच में, और ये बनाया गया है किसके द्वारा रोहित? ये है सुजाउद्दौला के द्वारा, और ये जो है ना उन्होंने बनाया था अपने फादर की मेमोरी में। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये वे है पुराना एकदम, मतलब जो फील आएगी ना आपको यहाँ पर आके, एक अलग ही फील है। जो 17 सदी, कौन सी शताब्दी होगी वो, मेरे 17 सेंचुरी की, और ये पुराने एकदम चलने का। और ये देखो निकल रहा है, सॉरी बहुत पुराना हो गया, बट ये है यहाँ का नज़ारा दोस्तों। अब हम आए हैं थोड़ी सी ऊपर, और जो उनकी फादर की जो कब्र है वो भी शायद यहीं पे रखी गई है, बनाई गई है अंदर ना, बट कन्फर्म नहीं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं ऊपर टॉम के एकदम नज़दीक, और आप जैसा कि आप मेरे यहाँ पर लेफ्ट में देखिए, ये है वाटर चैनल, पानी का फवारा दोस्तों, और ये है वो टॉम दोस्तों। इसको मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो बनाया गया था, ये बनाया गया था 1753 टू 1754 के बीच में, और ये बनाया गया है सुजाउद्दौला के द्वारा, और उन्होंने बनाया था अपने फादर के मेमोरी के लिए ये जो टॉम है दोस्तों। और उनका जो नाम था उनके फादर का, उनका नाम था मिर्जा मंजूर खान। चलो अंदर अभी, और ये है एंट्रेंस, और आप देख सकते हो ये जो कारीगरी है दोस्तों, ये मतलब 17 सेंचुरी का ये टॉम्ब है, और अभी तक मतलब जो मेंटेन किया, वेल मेंटेन बोल सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। और यहाँ पर आते ही हमारी जो आवाज़ गूंजने लगी है, और ऊपर का आप देखो क्या लग रहा है यार, कितना खूबसूरत है मॉन्यूमेंट, इसको ऐसे ही नहीं बोलते हैं, फेमस है ये।
और जो मैं तो बोलूँगा कि जो फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है ना दोस्तों, वही तुम्हारा लास्ट भी होता है, क्योंकि एक बार आओ अच्छा लगता है, फिर आप रिकमेंड करते हो लोगों को कि भाई आप एक बार ज़रूर जाइए यहाँ पे देख के। क्योंकि ना यहाँ पे आप देखोगे, एक चीज़ मैंने नोटिस की है, मतलब वो तो समझ तो नहीं आ रहा कि क्या लिखा है या डिज़ाइन क्या है, बट इसके पीछे कुछ ना कुछ एक लॉजिक तो होगा ही। जैसे आप डिज़ाइनिंग ये देख सकते हैं, ये डिज़ाइन कैसा है, और यहाँ पर आप ये देखिए नीचे, ये भी डिज़ाइन है, बट कुछ ना कुछ इतिहास तो है, और पता लगाना पड़ेगा दया इतिहास क्या है। तो दोस्तों, बहुत सारा वेल क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद हम बैठ के आगे का नज़ारा देख रहे हैं और टॉम के छत की हवा खा रहे हैं। मतलब वैसे देखो, क्राउड की बात करूं तो यहाँ पे क्राउड उतना नहीं मिलेगा आपको, बट जगह बोलूँगा कि बहुत ही तगड़ी है, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी जो नेचर के हिसाब से बनाई गई है जगह ना। आपको मैं एक व्यू देता हूँ छोटा सा, जो हम बैठे हम लोग यहाँ पे ऐसे बैठ के थोड़ा रिलैक्स कर रहे थे, बट आपको मैं व्यू दिखाता हूँ यहाँ का। आप ये देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरे पेड़ पेड़ ग्रीनरी ग्रीनरी मिलेगी आपको यहाँ पे बैठोगे ना आप अच्छे से, तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी हवा खाने को मिल जाएगी फ्री में वो भी, और दिल्ली में, हाँ और दिल्ली में आपको अच्छी हवा मिलेगी तो मुझे लगता है यही मिलेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो, जो लोग हैं ना यहाँ पे मोस्टली आते फ़ोटो सेशन के लिए, क्योंकि इस ये जो है एकदम लोधी गार्डन के अब बाजू में ही है ये टॉम, और मेन जो है जैसे अगर मैं कंपैरिजन की बात करूँ तो हुमायूं टॉम में ज़्यादा लोग जाते हैं और यहाँ पर लोग जो हैं फ़ोटो सेशन के लिए आते हैं। और हाँ, आपको मैं एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ, बट आप उससे पहले ये देखिए, जो मतलब नेचर वाइज ये सही जगह है। तो दोस्तों, और एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि यहाँ पर ना ऑनलाइन टिकट भी बुक होता है, और जो हमने बड़ी गलती कर दी, वहाँ ऑनलाइन टिकट में आपको सिर्फ 20 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, अगर ऑफलाइन आप यहाँ आके लेते टिकट तो आपको 25 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो 5 रुपये में क्या ही जाएगा, 5 रुपये में क्या ही जाएगा, हाँ बट हाथों हाथ मिल जाएगा टिकट। बट भाई, और तुम क्या कहना चाहते हो इस जगह के बारे में? बहुत ही बढ़िया जगह है और सही है, लोग यहाँ पे फोटो शूट कराने के लिए आते हैं, घूमने फिरने आते हैं, बढ़िया जगह है, बहुत शांति है यहाँ पे। तुमको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, मैं तो आ चुका हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये तेरा सेकंड टाइम है? हाँ। मतलब सेकंड टाइम है आ रहा है, तो मैं भी अगर देखो टाइम मिलेगा तो ज़रूर आऊँगा ये, बट जगह तो बहुत सही है दोस्तों। तो गाइस, इस व्लॉग को हम यही एंड करते हैं, आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये थी हमारी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, हम आए थे घूमने तो हम चाहते हैं आप भी कभी आओ तो आप भी यहाँ आके घूम लीजिए। और इस व्लॉग को करते यही एंड, और आप वो देख सकते हो उसको, वो वहाँ पे अलग ही उसका कुछ चल रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, फ़ोटोज़ ले रहा है, वीडियोज़ ले रहा है अपने के लिए या मेरे लिए, आई डोंट नो। तो इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं यहीं पे, तो मिलेंगे आपको जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए और बहुत सारा इन्फोटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको प्रोवाइड करेंगे इन्फॉर्मेशन और ये सारी चीज़ें जो हम एक्सपीरियंस करेंगे। तो बाय बाय दोस्तों, लाइक कर देना वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना ना भूले जो भी नए लोग हैं, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको मिल जाए टाइम टाइम पर। तो बाय बाय दोस्तों।